भाई मीना लोग आ रहे हैं स्कूल से। कहा था नहीं दिख रहा भाई यहाँ मेरा, एक पास पाई पत्थर नहीं दिख रहा, एक एक पत्थर ना यार, देखा है। हाँ मैं देखा है साले, देखे मैं हो देखा है तो क्या नाचो देखे हो, देखा हूँ मैं भी देखा हूँ। हाँ तो ये देखिए भाई कितना शांति भरी यहाँ हवा चलता है अब मेरे सब। सामने बन रहा ब्रेजी में बस्ती का। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड इवनिंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो कैसे हो सब लोग? आई होप आप सब लोग रोपा लगाने में, खेती किसानी करने में व्यस्त होंगे। सो हमारा रोपा की खेती किसानी जो भी है पूरा हो चुका है। इतना जल्दी मैं शेडोल में था तभी आधा काम पूरा हो चुका था। सो अभी हम जाएंगे कभी कहीं मतलब घूमने, अभी जा रहा हूँ अपने दोस्त को लेने, तो साथ में चलेंगे कहीं कहीं। तो ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा, तो चलिए चलते हैं खेत तरफ ऐसे ही टहलने टहलने के लिए। तो पूरा मैं टहल घूम बाद लिए अब जा रहे हैं, जैसे कि बताया जा रहा हूँ अपने दोस्त के पास। तो चलते हैं बाइक में, उसको पिकअप करते हैं, फिर चलते हैं कहीं घूमने। ये देखिए मैं आया था खेत साइड, पूरा व्यू मैं आपको दिखा चुका हूँ पहले भी। तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रही है, मैं मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। इस बंदर आए हमारे गाँव में, देखिए ये आ गया, एक वो रहा उधर। A few moments later. गाइस मैं दीनदयाल को लेने आ चुका हूँ, ये देखिए मिल गया है। अभी मतलब कहीं जाने वाले थे, ये भी सो गया था, मैं भी सो गया था, तो नहीं जा पाए। मैं तेल उल भरवा लेते हैं, इसके बाद कहीं जाएंगे घूमने, नहीं तो बीच रास्ते में ख़त्म हो जाता है। मेरे साथ अक्सर ऐसा ही होता है, तो चलिए पहले पेट्रोल भरवाते हैं फिर चलते हैं कहीं कहीं घूमने। तो चलिए ब्लॉग में आप लास्ट तक बने रहिए। तो गाइस फाइनली हम लोग पेट्रोल भरवा लिए हैं पूरा, और वहीं पास से आ गए हैं बंधा साइड, क्योंकि पास नहीं पड़ रहा था तो सोचे घूम आए हम लोग। और ये देखिए यहाँ मस्त सुकून भरी हवा चलता है एकदम, है ना, यहाँ पास एकदम भर गया है। नहीं तो हम पहले मतलब नीचे और थोड़ा जा कर के फ़ोटो वीडियो शूट किया करते थे। पौड़ते पौड़ते मैं घर तक सुन आराम से करने से क्या नहीं हो जाता है। ऐसे कैसे, मैं दो दिन से वीडियो नहीं बनाएगा, वीडियो कैसे नहीं बनाएगा साला, आज वीडियो इतना बनाएगा इतना बनाएगा, दीन दयाल एकदम देखते ही रह जाएगा। चला जा भोसड़ी के। तो इसके बाद हम जाने वाले हैं जंगल से ऊपर, जंगल मतलब जंगल से थोड़ा ऊपर, पूरा ऊपर नहीं, वहाँ से अच्छा सा टूर लेंगे एक तो, पूरा गांव हमारा वहां से पूरा दिखता है जंगल से, है ना। हाँ तो वहीं जाने वाले हैं। मैं आपको ऐसा जगह ले जाऊंगा ना, पूरी एरिया दिखा देगा, हमारे गांव पूरी ग्राम पंचायत ही दिख जाएगा, पंचायत ही पूरा दिख जाएगा, पूरी दिख जाएगा। अरे ले चलो भाई, ऐसे जगह तो जाना ही है। बिल्कुल ऊपर, बिल्कुल ऊपर, टाइम भी तो वैसे छोड़ के बाकी जगह से ऊपर वाह कितना मस्त हवा चल रहा है यहाँ, तो एकदम ठंडी ठंडी हवा का मजा लो यहाँ यहाँ की बंधन में। मैं आज मतलब हम लोग वहाँ जाने वाले थे कपड़ा लेने को पारू, फिर मैं बोला था इसको कि ये मेरे को कॉल करे, ये तब नहा रहा था दोपहर को लगभग 12-1 बजे, तो ये भी मेरे को कॉल नहीं किया, मैं भी नहीं किया, ये भी सो गया, मैं भी सो गया, फिर मैं ही आखिर किया 4 बजे, 4 बजे इसको कॉल किया था, बोला था कैसा नहीं लगाए दिए, बोला था मैं भी सो गया था। तो आज नहीं गए हैं तो कल या परसों जाने वाले हैं घोपारू कपड़ा लेने, और उधर से ही पास में एक सोन नदी पड़ता है, वहीं पास जाएंगे वीडियो अच्छे से बनाएंगे। छोटा सा नहीं बहुत बड़ा है यार, बाढ़ बहुत आया था ना, देखा है। हाँ मैं देखा है साले, मैं देखा है, देखे हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल देखे हो, देखा हूँ मैं भी, देखा हूँ। हाँ कहाँ पास पड़ता है वो, उसके आगे गोपारू के किसके आगे यार, गोपारू की इधर आ गया, फिर इधर पड़ता है, किधर जाना पड़ता है, उधर गांव कौन सा गांव, अरे सोन नदी भाई, कौन सा गांव पड़ता है भाई, वो दिया पीपर के आगे। हाँ सही, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, हाँ तो मेरे को बीच में और भी कुछ गांव पड़ता है वो है, नहीं पता, नहीं तो पूरा पता है, नहीं। तो ये देखिए भाई कितना शांति भरी यहाँ हवा चलता है अब सब लोग खेती किसानी करने में बहुत ही व्यस्त हैं तो नहीं आ पाते हैं। मैं तो आ गया भाई, हमारा क्योंकि रोपा लग चुका है, हमारा पूरा छुट्टी रहता है, केवल हमारा भी फाइनल हो चुका है दोस्त, केवल सुबह ही हमको थोड़ा हर फांदना पड़ता है, यानी कि मेरे को, फिर इसलिए मैं सुबह से वीडियो स्टार्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि सुबह मेरा काम रहता है, और दोपहर से फिर इस टाइम भी मैं
गाय भैंस जो भी है चराया करता हूँ, तो आज नहीं चरा हूँ इसलिए घूमने आ गया हूँ। इसलिए मैं दो दिन से वीडियो नहीं डाला हूँ यूट्यूब में। तो आपसे डेली मेरा आएगा कितना, 8 बजे सुबह आ जाएगा, डेली ब्लॉग बनाने का कोशिश करूँगा, डेली डालूँगा ज़रूर। तो ये देखिए हमारे गांव का पहाड़ पूरा यहाँ से दिख रहा है, और वो छोटा सा घर में उसमें कब से सोच रहा था जाने के लिए पर जा ही नहीं पाया। चलेंगे ना किसी दिन, चलो चलते हैं। कब? अभी चले। वो कहाँ यार, वो जो वह साइड है तो उधर, तो उधर जाना पड़ेगा ना, उस साइड। हाँ, उस साइड वहाँ है। गाइस चलिए आगे थोड़ा उछाल की तरफ चलते हैं, वहाँ का भी टूर ले लेते हैं, आज कितना भार चल रहा है कितना नहीं। उस दिन आए थे तो वहाँ से पानी निकल रहा था, आज पता नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए भाई यहाँ से पूरा बंधा दिख रहा है, पूरा यहाँ से वहाँ तक कितना सारा पानी भरा है। वो लोग नाव में कुछ लोग चढ़े हैं, वो कैसे आ रहा है पास चल के थोड़ा दिखाते हैं यहाँ कैसा माहौल है। ये रहा पूरा बंधा भाई हमारे यहाँ का, बहुत एकदम इतना सारा पानी दिख रहा है, लग रहा है इसमें पूरा गांव ही डूब जाएगा। चलिए चलते हैं। आज दीनदयाल ड्राइवर, उस दिन रोहित चला रहा था ना, बार बार बंद कर दिया था, कर रहा था। चलिए चलते हैं। भाई मीना लोग आ रहे हैं स्कूल से, जल्दी जल्दी पढ़ाई करो, निकलो वहाँ से चुहरी से, पैदल जाना ना पड़ेगा। फिर अगले साल से कॉलेज में हमारे तरह है ना, इनके तरह कॉलेज में, नहीं तो फिर काफी सारा बाढ़ आया था, नहीं तो ये पत्थर भी नहीं दिख रहे थे उस दिन। ये दिन है ना, उस दिन पत्थर नहीं दिख रहा था, यहाँ पास एक पत्थर नहीं दिख रहा, एक एक पत्थर। ना यार मीना कैसे लग गई यहाँ, इसमें पैर रखी है इसमें, और फिर लग गया, धुल गया यार ये पत्थर। रात में मेरे को उस दिन यहाँ पास काफ़ी सारा बाढ़ चल रहा था, आज नहीं चल रहा है, कम हो गया है। ये देखिए गाइस, कोई यहाँ पास गेंदा फूल का पौधा लगाए हैं छोटे छोटे, बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं, कि यहाँ पास पहले से था लगाए हैं लगता है ना, देखिए यहीं पास जब ये बड़ा हो जाएगा तो अच्छा दिखने लगेगा। लगाए हैं अपने से तो ना लगा होगा, नहीं इधर भी लगना चाहिए, यहाँ पास है ही नहीं। सो यहाँ से देखिए नज़ारा कितना अच्छा दिख रहा है गाइस, यहाँ से यहाँ कितना मस्त सुकून मिल रहा है, क्या ही बोले। अगर कोई डिप्रेशन में है तो यहाँ पास आके बैठ सकता है, सुकून भरी हवा ले सकता है, थोड़ी राहत तो मिलेगा ही मिलेगा, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ मैं, कि हमको भी वैसा ही बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब है ना। और कुछ कहना है? कोई डिप्रेशन में तो नहीं थे आप इधर मेरे को ले आ? नहीं 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 सारू के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। आप यहाँ गए? मैं नहीं था, मैं जंगल जाने वाला था, वहाँ से वीडियो बना रहा। तुम जंगल? अच्छा हाँ यार, हमको जाना है, चल चलते हैं जल्दी। सो चलिए चलते हैं वहाँ से। नमस्ते, ठंडा ठंडा हवा चल रहा है, बिल्कुल सुकून भरी। सो चलिए यहाँ से फाइनली निकलते हैं, बहुत देर हो गए यहाँ, जाने का मन ही नहीं कर रहा है यहाँ से। सो चलिए चलते हैं, अब वहाँ पास जाना है जंगल के वो बीचों बीच में। सो चलिए चलते हैं, ब्लॉग में आप लास्ट तक बने रहिएगा, एंड डू लाइक हिट द सब्सक्राइब। चलिए चलते हैं। दीनदयाल का घर नया वाला भी बन रहा है यहाँ, अभी गाय भैंस नहीं है ना, कुछ भैंस नहीं है, गाय है बस, गाय है। हाँ वही लोग रहते। रास्ता कहाँ से बाजी साइड का? इधर से चलते हैं भाई, इनका भुट्टा देख लें हम, पूरा भुट्टा तो इस बार हमारा भैंस एक दिन रात को डीलर के पूरा साफ कर दिया। हमारा जो गाय है ना वो डीलर के खा लिया। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अरे फिर भी तुम्हारा तो बहुत है यार, हमारा जितना भी नहीं है, हमको अब फिर से बोना पड़ेगा, पता नहीं अब होता है नहीं होता है। कहाँ है रास्ता? यहाँ से है ना? यहाँ से है, मैं इधर जा रहा हूँ देखने के लिए कितना खाएंगे। घुस जाऊँ? हाँ भाई
ये देखिए। मस्त भुट्टा है, मैं तुम्हारा ही खाऊंगा भाई, हमारा था ही नहीं इस साल, दीनदयाल का ही आऊंगा खाने मस्त, इधर ही साइड आग लगा के भूंज भूंज कर। नमस्ते, छोटा छोटा भुट्टा है ये देख। अच्छा इतना छोट मतलब थोड़ा बच गया भेड़ा है ना लगाने के लिए, इतना बच गया एक्स्ट्रा, कितना मस्त पौधा रहे थे ना। जाएंगे तो रात भी हो जाएगा, कुछ अच्छा अच्छा दिखेगा भी नहीं, और हमारा सस्ता फोन है रेडमी, उतना ज्यादा इसका कैमरा कैमरा अच्छा से आता नहीं है, तो कुछ अच्छा से दिखेगा ही नहीं, तो कोई मतलब नहीं जाने न जाने से। सो किसी अगले दिन हम देखेंगे, जाएंगे मस्त अच्छा सा वीडियो बनाएंगे, पूरा व्यू वहाँ से जंगल से हमारे गांव का पूरा, और भी दूर दूर के गांव तक के नज़ारे दिखते हैं पूरे जंगल से, है ना। कल चलते हैं ठीक है ना, कल घोपारू। घोपारू कब जाना है? कल ही चल देते हैं, यानी कि समय के अनुसार काम करना पड़ता है। नहीं तो मतलब अगर इधर जाएंगे तो इधर टाइम हो जाएगा, उधर इधर जाना बेहतर है। मैं बता दूँ आपको बता दूँ, 3 से 4 बजे 5 बजे के बीच इधर जाने का ठीक समय है, शाम के टाइम। अरे नहीं, एक कपड़ा लेना है ना, जैसे कि हम घोपारू जाएंगे। अच्छा हाँ, फिर उधर से सोन नदी घूम लेंगे जंगल, हाँ तो वहाँ तो जंगल परसों घूम लेंगे है ना, जंगल कैंसिल हो जाएगा, सोन नदी जाएंगे ना तो गाइस ये हमारा गवैया भाषा है, शौक हमारा, शौक मतलब वो शौक मतलब क्या बोलते हैं शौक मतलब मतलब जिससे कि मतलब हिंदी भाषा में शौक बोलते हैं, उसको ज्यादा शौक इसके शौक, हां शौक हम शौक बोलते हैं, और ये शौक शौक है ना, शौक बोलते हैं भाई, शौक 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 शौक। वैसे भी ज्यादा घूमने फिरने का शौक नहीं, बल्कि टाइम पास, फिर भी यार कुछ काम धंधा है नहीं, काम तो पूरा दिन रहेगा ही रहेगा ना, थोड़ा बहुत तो घूमना भी बनता है, नहीं तो जिंदगी एकदम बोरिंग सा लगेगा, लाइफ है बोरिंग लगेगा है ना, फिर दिमाग में काम काम, बिल्कुल काम से एकदम दिमाग पिच्ची हो जाता है। मैं तो भाई मैं बता दूं कि मैं 2 साल लगातार, हमारा भाई मतलब मेरे भाई दो बड़े बड़े वो लोग नहीं थे, मैं 2 साल अकेले खेती किया हूँ, मेरे को पता है काम क्या चीज़ होता है, कैसे होता है भाई, बहुत मेहनत करना पड़ता है, काम है ना? करना चाहिए भाई, ये काम ऐसे नहीं, नहीं काम करना चाहिए, लेकिन ये बोल रहा हूँ घूमना भी तो जरूरी है ना, टाइम निकाल घूमना चाहिए, काम भी है कि एकदम घूमना टहलना भागना भी जरूरी है, काम भी जरूरी है, काम भी जरूरी है, मतलब जिंदगी में हर चीज़ एक जरूरी है, तो सभी चीज़ का फायदा उठाना चाहिए है ना। तो आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा, हमारे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, मेरा आवाज़ थोड़ा दब दब से आ रहा है ना, पता नहीं क्या है, पानी की वजह से होगा। और मैं बता दूँ शहडोल में बड़ा बड़ा हो गया, वहाँ तो भूंज के खाते भी हैं, मैं खाया ही नहीं हूँ, मैं एक दिन सोच रहा था खाऊँ ना खाऊँ, फिर नहीं खाया, हम तो नहीं खाएंगे बिना दिए भाई हाँ तो अब बड़े हो जाए जल्दी तब खाने को मज़ा मिले, जब गणेश जी आ जाएँ गणपति बप्पा तब हो जाएगा भुट्टा आराम से ना, फिर अच्छा खाएंगे। गाइस मैं अगले साल पंडा बना था और कौन था, एक शिव कुमार यादव है ना, तो बहुत ही मज़ा आता है गाइस, मेरे को गणेश जी और दुर्गा जी में इतना मज़ा आता है, मैं का ही बताऊँ, ये दोनों मतलब आते हैं त्यौहार तो इसमें ही ज़्यादा हम लोगों को मज़ा आता है, पूरे लड़के लोग सब लोग इकट्ठा रहते हैं और पूरा धूमधाम से पूरा मनाते हैं गणपति उत्सव, अरे बहुत बहुत मज़ा आ जाता है ना, बिल्कुल लगता है पूरी खुशी है आगे में। अब आने ही वाले अगले महीने में है ना, अगले महीने में ये अगस्त चल, अगस्त के बाद सितंबर में, अक्टूबर में आता है, सितंबर में गणेश जी आता है, अक्टूबर में आता है दुर्गा जी आता है, पहले तो कृष्ण भगवान जी आएंगे है ना, जन्माष्टमी पहले होता है, हाँ फिर उसके बाद गणपति बप्पा, फिर आएगा मस्त मस्त लोग उस दिन पहले। तो गाइस आज का बहुत हो गया, सो आई होप आपको छोटा सा ब्लॉग पसंद आया, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सो मिलते हैं कल अगले न्यू ब्लॉग के साथ जल्दी ही, तब तक लिए टिल देन एंड टेक केयर, बाय बाय, जय श्री राम।